हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरसी है। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बीती रात से ही शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर के भरड़ी में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ 213 मिलीलीटर बारिश हुई है, जबकि शिमला जिला में 132 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला जिला में सुबह 1 घंटे के भीतर ही 62 मिलीलीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से आज भी 6 जिलों सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा में रेड अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा 24 और 25 को भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बीती रात से शिमला में भारी बारिश हो रही है। बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। वहीं शहर के जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला के मॉल रोड और संजौली में पेड़ गिरे हैं। मॉल रोड लिफ्ट के समीप मकान पर पेड़ आ रहा है। वहीं संजौली छोटा शिमला के समीप भी सड़क पर भारी भरकम पेड़ आ गया है, जिससे सड़क किनारे पार्क गाड़ियों को नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। वहीं जगह जगह मलबा सड़क पर आ गया है। मेरे बंद ही हो गए प्रोग्राम। चल नहीं जा। और प्रोग्राम चल कहाँ रहा है? टीवी में। Thank you.